हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल हम कर रहे हैं टॉपिक क्लाइमेट चेंज के बारे में ठीक है जो है आपके चैप्टर नंबर टू बिज़नेस इन्वामेंट में एफ आई बी कॉम कॉमर्स वन सब्जेक्ट में एंड अभी आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर एलेवन टेंथ सेशन ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं सो नाउ अभी क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने प्रीवियस सेशन में शुरू कर दिया है पढ़ना कि क्या होता है क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है उसके इम्पैक्ट क्या क्या है एंड कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ पे इम्पैक्ट हुए हैं उसके वो भी हमने पढ़ा नाउ uh, अभी आज हमें देखना है कि कॉपोरेट स्ट्रेटजीज फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्टेसन कि हम कह रहे हैं कि भाई ये क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट हो रहा है सो so अभी uh, उस इफ़ेक्ट को हटाने के लिए कम करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जा सकती है वो अभी हम टॉपिक शुरू करते हैं यहाँ पे सो so, सबसे पहला है कार्बन एमिशन रिडक्शन देखिए अभी ये जो प्रॉब्लम हो रही है क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो मेनली क्यों हो रहा है कि क्लाइमेट में कार्बन एमिशन हो रहा है ठीक है ग्रीन हाउस गैसेस जो हमने पढ़े थे वो इंडस्ट्रीज़ एमिशन कर रही है क्लाइमेट में एनवायरनमेंट में इसीलिए प्रॉब्लम हो रही क्लाइमेट चेंज हो रहा है सो so, अभी क्या करना है क्लाइमेट एमिशन रिडक्शन इस ये जो एमिशन हो रहा है उसे रिड्यूस करना होगा सबसे पहले तो सो so, उसमें आता है कार्बन न्यूट्रलिटी गोल्स कार्बन न्यूट्रलिटी गोल्स यानी कि ये जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसे बैलेंस करना पड़ेगा जितना कार्बन एनवायरनमेंट में गया वो वापस तो लेना पड़ेगा बैलेंस करना पड़ेगा तो वो कुछ गोल्स बनाने होंगे उसके लिए सो कंपनीज सेट एम्बिशियस टारगेट टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय रिड्यूसिंग एमिशंस अडोप्टिंग रीन्यूएबल एनर्जी एनहेंसिंग एनर्जी एफिशेंसी एंड इन्वेस्टिंग इन कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट दैट इज रिफॉरेस्टेशन रीन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स यानी कि ये कार्बन न्यूट्रलिटी जो हमें अचीव करना है बिजनेसिस को अचीव करना है कार्बन बैलेंस करना है कि जितना कार्बन एमिशन हो रहा है उसकी इफ़ेक्ट कम करो तो इफ़ेक्ट कम किस तरीके से कर सकते हैं एमिशन रिड्यूस करना है तो रीन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट करनी होगी ठीक है सोलार सिस्टम जो हमने बोला विंड पावर है वो अडॉप्ट करना होगा एनहेंसिंग एनर्जी एफिशिएंसी एनर्जी जो यूज़ कर रहे हो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाओ इन्वेस्टिंग इन कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट्स कार्बन ऑफसेट्स यानी ये जो ग्रीन हाउस गैसेस की इफ़ेक्ट है उसे कम करे वैसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो दैट इज़ रिफॉरेस्टेशन करो जो डिफॉरेस्टेशन अभी तक हो रहा था उसका ऑपोजिट रिफॉरेस्टेशन करो रीन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट के सिस्टम लाओ ठीक है चूँकि जो रीन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं जो बिजनेसेस उन्हें क्रेडिट मिले वैसा सिस्टम नाउ नेक्स्ट इज़ सप्लाई चेन डीकार्बनाइजेशन अभी सप्लाई चेन की बात करते हैं यहाँ पे हमने बिजनेस की बिजनेस जो चल रहा है बिजनेस प्रोसेस की बात की अभी सप्लाई चेन देखते हैं सो कलेबरेटिव एफर्ट्स विथ सप्लायर्स टू रिड्यूस सप्लाई चेन एमिशंस थ्रू सस्टेनेबल सोर्सिंग प्रैक्टिसेस एमिशन रिडक्शन टारगेट्स एंड सप्लायर एंगेजमेंट प्रोग्राम्स कलेबरेटिव एफर्ट्स यानी कि सब एक साथ मिलकर काम करेंगे सप्लाई चेन यानि ये वहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे बहुत सारे बिजनेसेस इन्वॉल्व होंगे ठीक so, है सो उन सब ने कलेक्टिव एफर्ट्स लेने हैं ठीक है एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस उन्होंने अडॉप्ट करना है ताकि बहुत कम से कम कार्बन एमिशन हो इन्वायरमेंट में सो so, ये पहली बात हो गई कार्बन एमिशन रिडक्शन नेक्स्ट इज रेजिलियन रेजिलियंस एंड अडेप्टन रेजिलियंस एंड अडेप्टन नाउ रिस्क असेसमेंट एंड सीनारी प्लानिंग ठीक है अभी रेजिलियंस एंड अडेप्टन यानी कि बिजनेस इसने आ, कहे हम कहे कि अडेप्ट होना होगा यानी कि कुछ चेंज करना है जो भी एनवा क्लाइमेट चेंज हुआ है क्लाइमेट अफेक्ट हो गया है सो so, अभी उसे चेंज करना है सिचुएशन चेंज करनी है सो so, उस तरीके से बिजनेसेस ने एडजस्ट होना है सो so, उसके लिए सबसे पहले रिस्क असेसमेंट एंड सिनारियो प्लानिंग करना है बिजनेसेस ने सो बिजनेसेस कंडक्ट क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट वर्ल्डरेबिलिटी असेसमेंट एंड सिनारियो प्लानिंग टू आइडेंटिफाई क्लाइमेट इम्पैक्ट्स प्रायोरिटाइज अडेप्टेसन मेजर्स बिल्ड रेजिलियस अक्रॉस ऑपरेशंस सप्लाई चेन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें बिजनेसिस ने करनी होगी रिस्क असेसमेंट करो कि हम जो बिजनेस प्रोसेस चला रहे हैं उससे कितना रिस्क जनरेट हो रहा है इन्वायरमेंट को कितना कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें असेस करो वलिटी असेसमेंट वही रिस्क असेसमेंट सिनारीो प्लानिंग करो ठीक है वो सारी चीज़ें करनी होगी एंड फिर कुछ मेजर्स लेने होंगे इन सारी इफेक्ट को हटाने के लिए ना अडेप्टिव टेक्नोलॉजीज सो अडेप्ट अडोपन ऑफ क्लाइमेट रेजिलियस रेजिलियट टेक्नोलॉजीज एग्जाम्पल फ्लड बैरियरस ड्राफ्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स वाटर एफिशेंट टेक्नोलॉजीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट्स टू मिटिगेट फिजिकल रिस्क एंड एनहेंस बिजनेस कंटिन्यूटी ये सारी चीज़ें अडॉप्ट की जा सकती है ठीक है ये जो क्लाइमेट चेंज uh, का जो रिस्क जनरेट हो रहा है उसे हटाने के लिए थर्ड इज सस्टेनेबल इनोवेशन एंड आर एन डी सस्टेनेबल इनोवेशन एंड आर एन डी अभी ये जो इनोवेशन एंड आर एन डी पार्ट है वो तो हो ही रहा है बिजनेसिस में पहले से ही चलते ही आ रहा है चलते ही आ रहा है कुछ ना कुछ इनोवेट हो रहा है बिजनेसेस आर एन डी कर रहे हैं लेकिन अभी इसके साथ एक वर्ड जुड़ गया सस्टेनेबल कैसा इनोवेशन करो कैसी आर एन डी करो सस्टेनेबल जिससे इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुँचे सो इन्वेस्टमेंट इन क्लीन टेक्नोलॉजीज इन्वेस्टमेंट इन क्लीन टेक्नोलॉजीज क्लीन टेक्नोलॉजीज जैसे हम कह सकते हैं कि सोलार सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ठीक है सो जो इन्वायरमेंट uh, को कम नुकसान पहुंचा रहे हैं सो इन्वेस्टमेंट इन क्लीन टेक्नोलॉजीज सो कंपनीज इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजीज आर एंड डी ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजीज सस्टेनेबल इनोवेशन एग्जाम्पल रीन्यूएबल एनर्जी एनर्जी स्टोरेज सर्क्यूलर इकोनॉमी सोल्यूशंस सर्क्यूलर इकोनॉमी सोल्यूशंस यानी कि अभी आजकल कल हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं मटीरियल्स uh, या प्रोडक्ट का रीयूज का ठीक है रिसाइकलिंग का सो so, उसे हम सर्क्युलर इकोनॉमी कह सकते हैं सो सर्क्युलर इकोनॉमी सोल्यूशन एंड क्लाइमेट स्मार्ट प्रोडक्ट्स सर्विस ड्राइव कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एंड मीट मार्केट डिमांड सो ये सारी चीज़ें बिजनेस इसने करनी होगी उससे क्या होगा कॉम्पिटिशन में भी बिजनेस आगे निकल सकता है एंड मार्केट डिमांड को भी वो फुलफिल कर पाएगा ठीक है क्योंकि मार्केट डिमांड अभी किन प्रोडक्ट के लिए बढ़ रही है सस्टेनेबल प्रोडक्ट के लिए क्योंकि कंज्यूमर को अभी अवेयरनेस बहुत आ गई है तो ना कॉलेबरेटिव पार्टनरशिप अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंडस्ट्री कोलेब्रेशन एंड इनोवेशन इकोसिस्टम फैसिलिटेट नॉलेज शेयरिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड स्केलेबल सोल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्टन चैलेंज ठीक है अभी यहाँ पर क्या किया जाएगा कोलाबरेटिव पार्टनरशिप यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो सकती है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट uh, बिज़नेसेस साथ में आएंगे इंडस्ट्री कोलेब्रेशन भी हो सकता है इन सारी चीज़ों से क्या होगा वो लोग आपस में नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं ठीक है सो so, ये हो गया हमारा सस्टेनेबल इनोवेशन एंड आर एंड डी ये था हमारा थर्ड पॉइंट हो गया ना फोर्थ इज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंड ट्रांसपरेंसी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंड ट्रांसपरेंसी सो क्लाइमेट गवर्नेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रायोरिटाइज क्लाइमेट गवर्नेंस ओवरसी क्लाइमेट स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड इंटीग्रेट क्लाइमेट रिस्क इन टू कॉरपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क टू एनहेंस ट्रांसपरेंसी अकाउंटेबिलिटी एंड स्टेक होल्डर ट्रस्ट स्टेक होल्डर यानी क्या कि बिजनेस में जो भी लोग इन्वॉल्व इंटरेस्टेड है उसे हम स्टेक होल्डर्स कहेंगे जैसे हम कहेंगे कस्टमर्स है गवर्नमेंट है ठीक है उसके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं शेयर होल्डर्स ये सारे स्टेक होल्डर्स है सो so अभी इनके साथ बिजनेस की ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है सो so अभी यहाँ पे हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे प्रायोरिटी देंगे क्लाइमेट गवर्नेंस को इन चीज़ों को वो प्रायोरिटी देंगे एंड उसके बाद वो क्या करने वाले हैं इंटीग्रेट क्लाइमेट रिस्क इन टू कॉरपोरेट गवर्नेंस या कॉरपोरेट गवर्नेंस यानी कि जो बिजनेस जिस तरीके से चल रहा है वो उसे सस्टेनेबल तरीके से ही चलाएंगे क्लाइमेट के बारे में वहाँ पे सोचेंगे ठीक है एंड उसकी वजह से क्या होने वाला है ट्रांसपरेंसी आएगी अकाउंटेबिलिटी आएगी एंड स्टेक होल्डर का ट्रस्ट भी बढ़ेगा ना स्टेक होल्डर डायलॉग एंगेजमेंट विथ इन्वेस्टर्स कस्टमर्स एम्प्लॉयज एंड कम्युनिटीज ऑन क्लाइमेट रिलेटेड गोल्स प्रोग्रेस एंड इम्पैक्ट फॉस्टर्स ट्रस्ट बिल्डस रेजिलियंस स्ट्रेंथन रिलेशनशिप एडमिट्स क्लाइमेट अनसर्टेंटीज ठीक है स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन होना जरूरी है बिजनेस का इन्वॉलमेंट होना ज़रूरी है सो एंगेजमेंट विथ इन्वेस्टर कस्टमर एम्प्लॉयज ऑन विच टॉपिक ऑन क्लाइमेट रिलेटेड गोल्स प्रोग्रेस इम्पैक्ट फॉस्टर्स ट्रस्ट ठीक है ये सारी चीज़ें क्या करेगी इस्टेक uh, होल्डर्स के माइंड में ट्रस्ट बढ़ाएगी बिजनेस के लिए ठीक है उसका इंप्रेशन वो बढ़ाएगी सो so, नाउ चलो अभी ये टॉपिक ओवर हो गया अभी हम नेक्स्ट देखते हैं रेगुलेटरी एंड पॉलिसी रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज ठीक है अभी देखिए हमारी गवर्नमेंट हो या वर्ल्ड वाइड हम सोचे तो सारी ही जो कंट्रीज़ है अभी ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ तो वो सोचेंगी सो रेगुलेटरी एंड पॉलिसी रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज उसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं सो so, यहाँ पे सबसे पहला आ रहा है ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट देखिए ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट अभी उसमें सबसे पहला है Uh, उसमें हमें दिया गया है पेरिस एग्रीमेंट नाउ द इंटरनेशनल कमिटमेंट टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग बिलो टू डिग्री सेल्सियस परस्यू एफर्ट्स परस्यू एफर्ट्स टू लिमिट इट टू 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड एनहेंस अडेप्टशन एंड रेजिलियंस टू क्लाइमेट इंपैक्ट्स थ्रू नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज़्म अभी इस एग्रीमेंट में क्या कहा गया है कि इंटरनेशनल कमिटमेंट क्या था कि ग्लोबल वार्मिंग जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको दो डिग्री सेल्सियस से कम कम होना चाहिए वैसा सो so अभी ये लोग क्या एफर्ट्स ले रहे हैं उसे 1.5 तक करने की एफर्ट्स ले रहे हैं ठीक है नाउ सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स एंड बियंड यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ट्वेंटी सिक्स यानी ट्वेंटी सिक्स जो कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड बी ऑन्ड कंटीन्यूड नगोसिएशन नैगोसिएशंस चले उसमें कमिटमेंट्स हुए एंड एक्शंस बाई कंट्रीज ठीक है कंट्रीज के बीच में जो कॉन्फ्रेंसेस हुई थी सो टू स्ट्रेंथन का क्लाइमेट एम्बिशन एक्सेलरेट कार्बन न्यूट्रलिटी गोल्स एंड मोबिलाइज क्लाइमेट फाइनेंस टवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ठीक है यहाँ पर क्या सोचा गया इस कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट एम्बिशन को स्ट्रॉन्ग करना है कि भाई हमें जो क्लाइमेट अफेक्ट हुआ है उसकी इफ़ेक्ट हटानी होगी कार्बन न्यूट्रलिटी गोल्स को अचीव करना यानि कि कार्बन बैलेंस करना होगा एनवायरमेंट में जो क्लाइमेट एमिशन हुआ है उसे वापस भी तो लेना होगा बैलेंसिंग करना होगा सो so ये सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे सोचा गया कम्युनिकेशन uh, किया गया नाउ नेक्स्ट इज नेशनल क्लाइमेट पॉलिसीज नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी सभी पॉलिसीज़ की बात करते हैं सो so सबसे पहला आता है कार्बन प्राइजिंग कार्बन प्राइजिंग सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कार्बन प्राइजिंग मैकेनिज़्म कार्बन प्राइजिंग मैकेनिज़्म इम्प्लीमेंट किया गया मैकेनिज्म यानी सिस्टम एग्जाम्पल कार्बन टैक्सेस कैप एंड ट्रेड सिस्टम टू इंटरनलाइज कार्बन कॉस्ट इंसेंटिवाइज एमिशन रिडक्शन एंड फंड क्लाइमेट इन मिटिगेशन एंड अडेप्टन इनिशिव देखिए अभी क्या किया गया कार्बन प्राइजिंग किया गया यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कार्बन प्राइजिंग मेकेज़म एग्ज़ाम्पल कार्बन टैक्सेस यानी कि जो भी कॉरपोरेट से से कार्बन जो एमिशन कर रहे हैं वहाँ पे टैक्सेस लगेंगे कैप एंड ट्रेड सिस्टम ना अभी ये कैप एंड ट्रेड सिस्टम में क्या होगा सारे ही बिजनेसेस को कुछ लिमिट दी जाएगी कि वहाँ तक आपको अलाउड है कार्बन एमिशन करना ठीक है एंड उसके लिए कुछ परमिट्स दिए जाएंगे सो so, वो कैप कैप cap हो जाएगा एंड अभी ट्रेड सिस्टम यानी कि क्या कि ये जो परमिट दिए जाते हैं फॉर कार्बन एमिशन सो बिजनेसेस आपस में उसे खरीद या बेच सकते सो कैप एंड ट्रेड सिस्टम होगा ठीक है अभी इससे क्या होना है टू इंटरनलाइज कार्बन कॉस्ट इंसेंटिवाइज एमिशन रिडक्शन इंसेंटिव मिलेगा जो बिजनेसेस एमिशन रिडक्शन एमिशन रिडक्शन कर रहे हैं कार्बन का उसे इंसेंटिवस मिलेंगे वगैरह एंड फंड क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्टन इनिशिएटिव इसके लिए फंडिंग किया जाएगा तो ये बात हुई कार्बन प्राइसिंग की नेक्स्ट नैक्स्ट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स अभी स्टैंडर्ड्स की बात करें सर डिवलपमेंट ऑफ एमिशन स्टैंडर्ड renewable energy targets energy efficiency regulation and green building codes to promote low carbon development देखिए डेवलपमेंट ऑफ एमिशन स्टैंडर्ड ये सारे ही स्टैंडर्ड्स बनाए गए कुछ रेगुलेशंस बनाए गए एनर्जी एफिशिएंसी रेगुलेशन अभी ये सारी चीज़ें किन चीज़ों में हेल्प करती है कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है नाउ नेक्स्ट इज़ कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग एंड डिस्कलोजर कॉर्पोरेट यानी बिजनेस रिपोर्टिंग करेंगे एंड डिस्कलोजर करेंगे उसकी बात करते हैं सो टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्कलोजर दैट इज टी सी एफ डी न फ्रेमवर्क फॉर वॉलेंटली क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्कलोजर बाई कंपनी टू असेस एंड डिस्कलोज क्लाइमेट रिस्क अपॉर्चुनिटीज गवर्नेंस स्ट्रैटेजी एंड मैट्रिक्स टू इन्वेस्टर स्टेक होल्डर एंड रेगुलेटर्स इन लोगों को डिस्क्लोजर करना ज़रूरी होगा स्टेक होल्डर्स जो हमने बोला गवर्नमेंट है कस्टमर्स है एम्प्लॉइज है ठीक है रेगुलेटर्स को एंड इन्वेस्टर्स को क्या चीज़ें डिस्कलोज की जाएगी uh, ये जो फाइनेंशियल uh, डिस्क्लोजर होगा बाई कंपनीज टू अस एंड डिस्कलोज कि भाई क्लाइमेट को तुम कितना रिस्क पहुंचा रहे हो अपॉर्चुनिटीज़ uh, क्या है तुम्हारे पास गवर्नेंस कैसा है तुम्हारे सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ होगी उसमें नाउ रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस सो अलाइनमेंट विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एग्जाम्पल ई यू टेक्सोनॉमी एस ई सी क्लाइमेट डिस्क्लोजर रूल्स एंड सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स एग्जाम्पल जी आर आई एस ए एस बी टू एनहेंस ट्रांसपेरेंसी मैनेज रेगुलेटरी रिस्क एंड डीमॉन्स्ट्रेट डिमॉन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू क्लाइमेट एक्शन ठीक है ये सारे ही रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस रखे गए बिजनेसिस के लिए के okay, सो so ये हमने देखे ये हमने पढ़ा यहाँ पे रेगुलेटरी एंड पॉलिसी रिस्पॉन्स के बारे में सो so यहाँ पर अभी ये टॉपिक हमारा ओबर हो गया नाव नेक्स्ट हम शुरू करते हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ड्राइविंग क्लाइमेट सोल्यूशन चलो ठीक है अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है प्रॉब्लम अराइज़ हुई है लॉन्ग टर्म शिफ्ट आया है क्लाइमेट में ठीक है कोई एक दो महीने की बात नहीं है लॉन्ग टर्म शिफ्ट हुआ है तो अभी ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम अराइज हुई है ग्लोबली सो so उसके लिए सोल्यूशन भी तो फाइंड आउट करने होंगे सो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ड्राइविंग क्लाइमेट सोल्यूशन क्या क्या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहे हैं जो क्लाइमेट सोल्यूशन में हेल्प कर रहे हैं सो so, सबसे पहला है रीनुएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ आया है जिसमें सोलर पावर है एक दूसरा एंड दूसरा है हमारा विंड पावर सो एडवांसमेंट इन फोटो वोल्टीएट पी टेक्नोलॉजी सोलार पैनल एफिशिएंसी सोलार एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एग्जाम्पल बैटरीज ग्रिड इंटीग्रेशन इनेबल स्केलेबल डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलार पावर जनरेशन फॉर रेसिडेंशियल कमर्शियल एंड यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स ठीक है ये सोलार पावर जो अभी डेवलप हुआ है वो काफ़ी हद तक हेल्प कर रहा है क्लाइमेट सोल्यूशन में ठीक है न नेक्स्ट इज विंड पावर सो इनोवेशन इन विंड चर्बाइन डिजाइन ऑफ शोर विंड फार्मस एंड विंड एनर्जी स्टोरेज सल्यूशन एनहेंसेज कैपेसिटी फैक्टर्स रिड्यूस कॉस्ट एंड एक्सपांड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर विंड एनर्जी डिप्लॉयमेंट इन कोस्टल एंड इन लैंड रीजन्स देखिए ये मोस्टली अवेलेबल होगा कोस्टल एंड इन लैंड रीजन्स सो ये दो हो गए हमारे रीनुएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन की पहले हमने रीन्यूएबल एनर्जी की बात की अभी यहाँ पे हम एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन देखेंगे सो सबसे पहला है बैटरी टेक्नोलॉजी सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एडवांस बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी एग्जाम्पल लिथियन लिथियम आयन सॉलिड स्टेट बैटरीज फॉर रीन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स Great stabilization and decentralized energy system. Kick battery technology uh, helpful hai for energy storage. Next is hydrogen energy, development of green hydrogen product production, electrolysis, technologies, hydrogen fuel cells, hydrogen storage solution, and decarbonize industrial processes. ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी इंसेंटिव सेक्टर सो ये दोनों ही चीज़ें बैटरी टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन एनर्जी हमारा आता है एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन में अभी जो थर्ड है हमारा वो है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज सी सी यू एस ठीक है अभी जो कार्बन एमिशन हो रहा है इन्वायरमेंट में सो so, उसे वापस तो खींचना होगा ठीक है उसकी इफ़ेक्ट हटाने के लिए सो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज सो डायरेक्ट एयर कैप्चर सबसे पहला आता है डायरेक्ट एयर कैप्चर सो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू फ्रॉम एम्बियन एयर एंड इंडस्ट्रियल एमिशंस कपल्ड विथ यूटिलाइजेशन एग्जाम्पल कार्बन यूटिलाइजेशन इन मटेरियल एंड स्टोरेज एग्जाम्पल जियोलॉजिकल स्टोरेज ऑप्शन टू अचीव नेगेटिव एमिशंस एंड कार्बन न्यूट्रलिटी कोज अभी क्या करना है हमारी जो एयर है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की जो आ, एमिशन्स हुए हैं उसे वापस खींचना है ठीक है सो अभी ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है उसके जरिए क्या किया जाएगा उस आ, कार्बन को वापस खींचा जाएगा ठीक है एंड फिर उससे ही यूटिलाइज करना है ठीक है इन मटीरियल एंड स्टोरेज एग्जाम्पल जियोलॉजिकल स्टोरेज ठीक है उससे क्या होना है नेगेटिव एमिशंस होंगे जो एमिशंस हुए हैं वो रिवर्स हो जाएंगे एंड कार्बन न्यूट्रलिटी गोल्स भी अचीव हो जाएंगे व्हाट इज़ कार्बन न्यूट्रलिटी कार्बन बैलेंसिंग करना है हमें जो एमिशन हुए हैं उसे वापस लेके कम करना है बैलेंसिंग करना है सो so, वो गोल अचीव हो जाएगा नाउ एनहेंस ऑयल रिकवरी सो यूटिलाइजेशन ऑफ़ कैप्चर्ड सी ओ टू जो हमने जो कार्बन कैप्चर्ड कर लिया है वापस सो so, उसे यूटिलाइज करना फॉर एनहेंस ऑयल रिकवरी प्रोजेक्ट्स सो टू रिड्यूस एमिशंस मॉनिटाइज कार्बन क्रेडिट्स एंड सपोर्ट ट्रांजिशन पाथवेज फॉर कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज ठीक है ये दो तरीके अडोप्ट किए जाएंगे फॉर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के लिए तो so, ये एक सोल्यूशन हो गया नैक्स्ट इज सर्क्यूलर इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल मटीरियल वॉट इज सर्क्यूलर इकोनॉमी यानी कि जो भी मटीरियल बिजनेस इसमें यूज होते हैं ठीक है जो भी इनपुट्स यूज हो रहे हैं उसे री करना ठीक है या फिर रिसाइकल करना सो so, उसे हम सर्कुलर इकोनॉमी कहेंगे एंड सस्टेनेबल मटीरियल सस्टेनेबल मटीरियल यानी ऐसा मटीरियल जो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रहा है सो सर्क्यूलर इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल मटीरियल सो रिसोर्स एफिशिएंसी अडोपन ऑफ सर्क्युलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स क्लोज लूप मैनुफैक्चरिंग प्रोसेसिस एंड सस्टेनेबल मटीरियल्स एग्जाम्पल बायो बेस्ड रिसाइकल कॉन्टेंट टू मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन इन सारी चीज़ों से क्या होना है वेस्ट बहुत कम जनरेट होगा कंजर्व रिसोर्सेज एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अक्रॉस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ठीक है यानि के एक प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है पूरी उस ड्यूरेशन में वेस्टेज बहुत कम से कम होगा ना वेस्ट मैनेजमेंट इनोवेशन अभी जो भी कुछ वेस्ट जनरेट हो रहा है उसके मैनेजमेंट की बात करते हैं so, सो उसके लिए क्या इनोवेशन है सो डेवलपमेंट ऑफ एडवांस रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज वेस्ट टू एनर्जी सल्यूशन एंड इनोवेटिव वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम टू प्रमोट रिसोर्स रिकवरी रिड्यूस लैंडफिल वेस्ट एंड सपोर्ट सस्टेनेबल कंजम्पन पैटर्नस के okay, सो so ये हमने कुछ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस देखे फॉर क्लाइमेट अफेक्ट अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं वो है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंड कलेबरेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन स्टेक होल्डर एंगेजमेंट स्टेक होल्डर यानी हम हम कहें कि इन्वेस्टर्स है या गवर्नमेंट है या एम्प्लॉयज़ uh, है कस्टमर्स है जो लोग इंटरेस्टेड है बिजनेस में So यहाँ पे सबसे पहला आता है इन्वेस्टर प्रेशर एंड ई एस जी इंटीग्रेशन नाउ ई एस जी इन्वेस्टिंग अब ये ई एस जी कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पहले देखा है ठीक है ई एस जी इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस यानी कि कोई भी बिजनेस है वो सस्टेनेबल वे में चलना चाहिए यानि कि वो इन्वायरमेंट के बारे में भी ध्यान रख रहा है उसे नुकसान ना हो सोसाइटी को भी नुकसान ना हो एंड गवर्नेंस वो बहुत अच्छे से सस्टेनेबल तरीके से चल रहा है सो ई एस इन्वेस्टिंग इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस ई एस क्राइटेरिया इनटू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स असेट मैनेजर्स एंड पेंशन फंड टू असेस क्लाइमेट रिस्क प्रमोट सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट एंड ड्राइव कोपोरेट अकाउंटेबिलिटी तो ये जो इन्वेस्टर्स है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या फिर पेंशन फंड्स वगैरह ये सारे क्या करेंगे चेक करेंगे बिजनेस इसको किस आ, किस चीज़ों को ध्यान में रख के रिलेटेड टू क्लाइमेट कि ये बिजनेस कैसे चल रहा है क्लाइमेट पर कितनी इफेक्ट डाल रहा है ना शेयर होल्डर एक्टिविज़म अभी सिर्फ शेयर होल्डर की बात करते हैं सो एंगेजमेंट विथ कंपनीज ऑन क्लाइमेट रिलेटेड रिजोल्यूश रिसल्यूशंस प्रॉक्सी वोटिंग एंड शेयर होल्डर एडवोकेसी टू एनकरेज क्लाइमेट डिस्कलोजर्स एमिशन रिडक्शन टारगेट्स एंड अलाइनमेंट विद ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स सो शेयर होल्डर्स भी कहीं ना कहीं एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे फॉर क्लाइमेट सोल्यूशन अभी सेकेंड इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पब्लिक यानी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्राइवेट बिजनेसेस दोनों ही साथ में आएंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सो क्लाइमेट फाइनेंस कोलेब्रेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर स्टेक होल्डर्स टू मोबिलाइज क्लाइमेट फाइनेंस फंड क्लाइमेट रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड स्केल अप इन्वेस्टमेंट इन क्लीन टेक्नोलॉजीज रिन्यूएबल एनर्जी ये दोनों ही लोग साथ में आएंगे पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर साथ में आएगा क्यों साथ में आएगा इन सारी चीज़ों के लिए वो साथ में आके उनके जो फंड है वो यूटिलाइज करने वाले हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में यानी कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो क्लाइमेट चेंज से बचा सके ठीक है रीनबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करेंगे क्लीन टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नॉलेज शेयरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशियटिवस टू सपोर्ट डेवलपमेंट कंट्रीज इन क्लाइमेट मिटिगेशन अडेप्टशन एंड रेजिलियंस बिल्डिंग

उनके साथ के कोलैबोरेशन की बात की क्योंकि उनकी हेल्प भी ली जा सकती है इस क्लाइमेट चेंज को क्लाइमेट uh, चेंज की इफ़ेक्ट को कम करने के लिए ठीक है सो लोकल कम्युनिटीज हो सकते हैं एन जी हो सकते हैं सिविल सोसाइटीज़ हो सकते हैं सो so, अभी क्या होगा वहाँ पे क्लाइमेट अवेयरनेस कैंपेन कम्युनिटी रेजिलियंस प्रोजेक्ट पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू एड्रेस लोकल क्लाइमेट इम्पैक्ट एंड प्रमोट इंक्लूसिव क्लाइमेट एक्शन नाउ यूथ एक्टिविज़्म यूथ एक्टिविज़म देखिए अभी जो जनरेशन आ रही है जो यंग लोग हैं तो उन्हें अगर अवेयरनेस आ जाए इस क्लाइमेट चेंज के बारे में सो फिर इस क्लाइमेट चेंज की इफ़ेक्ट बहुत हद तक कम की जा सकती है क्योंकि वही लोग आगे चल के बिजनेस करने वाले हैं इंडस्ट्रीज चलाने वाले हैं सो यूथ एक्टिविज्म, सो यूथ लेड मोमेंट्स प्रोटेस्ट एंड एडवोकेसी कैंपेन्स मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट फॉर क्लाइमेट एक्शन क्लाइमेट जस्टिस एंड इंटर इक्विटी इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी मेकरस बिजनेसिस एंड ग्लोबल लीडर्स टू प्राइवेटाइज एम्बिशियस क्लाइमेट कमिटमेंट ठीक है अभी इन लोगों को ही अगर प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए प्रॉपर अवेयरनेस लाई जाए उन लोगों में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड तो फिर क्या होने वाला है वो लोग क्लाइमेट कमिटमेंट से ही काम करेंगे वो लोग ऐसे ही बिजनेस करेंगे जो क्लाइमेट को नुकसान ना करें सो so नाउ अभी देखते हैं कंक्लूजन जो हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ा उसके बारे में अभी कंक्लूजन पढ़ते हैं सो क्लाइमेट चेंज प्रेजेंट्स अनप्रीसिडेंट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेसेस रिक्वायरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड कलेक्टिव एफर्ट्स टू मिटिगेट रिस्क विजिलियंस एंड अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखिए क्लाइमेट चेंज एक तरह का चैलेंज है हम समझते हैं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है लेकिन उसके साथ साथ बिज़नेसेस के पास अपॉर्चुनिटी भी है कि वो रीन्यूएबल एनर्जी डेवलप करे क्लीन टेक्नोलॉजी डेवलप करे ठीक है तो उनके पास अपॉर्चुनिटी भी है ना बिज़नेसेस प्ले अ पाइवोटल रोल इन ड्राइविंग क्लाइमेट एक्शन थ्रू एमिशन रिडक्शन सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन्स एंड स्टेक होल्डर इंगेजमेंट स्ट्रैटजीज अलाइन विथ ग्लोबल क्लाइमेट टाग ठीक है सारी चीज़ें बिजनेसिस ने करनी होगी एमिशन डिडक्शन कम से कम एमीशन करना है ग्रीन हाउस गैसेस का सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होना चाहिए जैसे क्लीन टेक्नोलॉजीज के बारे में हमने बात किया सो ना बाय इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट कंसिड्रेशन इन टू कॉरपोरेट स्ट्रेटजीज ऑपरेशन एंड डिसन मेकिंग प्रोसेस बिजनेसिस कैन लीड इन सस्टेनेबिलिटी फोस्टर रेजिलियस एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू लो कार्बन क्लाइमेट रेजिलियस फ्यूचर फॉर जनरेशन टू कम ठीक है क्या करना है इंटीग्रेट करना है बिजनेसिस ने क्लाइमेट कंसिड्रेशन ये जो हमने क्लाइमेट uh, के बारे में चीज़ें पढ़ीं वो क्लाइमेट कंसिड्रेशन को इंटीग्रेट करना है विद कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़ बिजनेस जो अपनी स्ट्रेटजीज़ बना रहा है वो क्लाइमेट को ध्यान में रख के ही बनाए ठीक है so, सो वैसे ही बिजनेस इसने स्ट्रेटजीज़ बनानी है ऑपरेशन चलाने हैं डिसीजन मेकिंग करना होगा ताकि हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन एमिशन कम हो ठीक है एंड ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो सो so, हमने यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का टॉपिक खत्म कर दिया है स्टूडेंट्स एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर टू भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है सो so, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पे जहाँ पे हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ठीक है क्वेश्चंस हम देखेंगे सो so, मिलते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना थैंक यू सो मच